एक मल्टी फ्लोर बिल्डिंग से एक आदमी नीचे गिर जाता है। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत मेहुल को कॉल कर देता है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल नीचे काफी लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन गार्ड कहता है कि उसे अचानक किसी के गिरने की आवाज आई, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता है। तभी पास में खड़ा आदित्य मेहुल से कहता है, सर मैं तो उस समय नीचे अपनी कार को साफ कर रहा था तो मैंने देखा ये आदमी 10th फ्लोर की बालकनी पे डांस कर रहा है और अचानक इसका बैलेंस बिगड़ गया और ये नीचे गिर गया। मेहुल को आदित्य की बातों पर डाउट होता है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल को आदित्य की बातों पर डाउट क्यों हुआ, सोचिए सोचिए। टेंथ फ्लोर से गिरने के बाद बॉडी तो टूट जानी चाहिए थी, ब्लड निकलना चाहिए था, लेकिन बॉडी एकदम सही सलामत है और कोई ब्लड भी नहीं निकल रहा है। इसका मतलब वो आदमी इतने ऊपर से नहीं गिरा है, आदित्य झूठ बोल रहा है। मेहुल आदित्य का कॉलर पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है, तो आदित्य डर जाता है और कहता है, सर ये बॉडी फर्स्ट फ्लोर से गिरी थी और मिस्टर राज ने मुझे 10,000 रुपए देकर झूठ बोलने के लिए कहा था। मेहुल राज को पकड़ने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां का सीन देखकर मेहुल सरप्राइज हो जाता है। राज आराम से बैठकर मैंगो जूस पी रहा था। इसे तो अब तक भाग जाना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ है। मेहुल सीधा राज की बालकनी में जाता है तो उसे वहां पे एक क्लू मिल जाता है। क्या क्लू मिला मेहुल को लॉजिकल आर्मी, ध्यान से बालकनी को ऑब्जर्व कीजिए। नीचे पड़ी डेड बॉडी में एक शर्ट का बटन मिसिंग था और ये देखिए वो बटन यहाँ पड़ा हुआ है। राज खुद को कूल दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस सबूत की वजह से वो पकड़ा जाता है। मेहुल उसे जेल में डाल देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ड्रैगन एक्सेस और इंडियन आर्मी के बीच में जंगल में फायरिंग शुरू हो जाती है। इंडियन आर्मी एक एक करके ड्रैगन एक्सेस के सारे लोगों को मार देती है। सबसे लास्ट में ड्रैगन एक्सेस का एक स्नाइपर स्पेशलिस्ट बच जाता है, लेकिन किसी भी इंडियन सोल्जर को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी। अगर कोई उसे देखने के लिए हेड ऊपर करेगा तो वो स्नाइपर स्पेशलिस्ट उसका सर उड़ा देगा। लॉजिकल आर्मी क्या आप कोई आइडिया सोच सकते हैं, इंडियन आर्मी क्या कर सकती है, सोचिए सोचिए। सुबेदार गगन सिंह अपना दिमाग लगाते हैं। वो अपनी बंदूक के ऊपर अपना हेलमेट रख देते हैं और धीरे से उसे पत्थर के ऊपर लेके जाते हैं। स्नाइपर स्पेशलिस्ट को लगता है कि वो सोल्जर मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो हेलमेट को टारगेट करके फायरिंग करता है। उसके फायरिंग करते ही इंडियन आर्मी को उसकी लोकेशन समझ जाती है और धनाधन फायरिंग करके उसे मार देते हैं। लॉजिकल आर्मी इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सिटी में एक बहुत बड़ा हैकर आ गया था। एक दिन उसने एक ट्रैफिक सिग्नल को हैक कर लिया। मेहुल के कॉल करते ही हैकर आदि मेहुल को 3 पिक्चर सेंड करता है। इनमें से एक ट्रैफिक सिग्नल को उस हैकर ने हैक किया हुआ है। लॉजिकल आर्मी क्या आप तीनों सिग्नल को ध्यान से बता सकते हैं, वो कौन सा सिग्नल है जिसे हैकर ने हैक किया होगा, सोचिए सोचिए। ये वाला सिग्नल हैक हो गया है। 2 डायरेक्शन के सिग्नल्स एक ही टाइम पे ग्रीन हो गए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ तो एक्सीडेंट हो सकता है। मेहुल वहां के ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात करके ट्रैफिक खुद मैनेज करने के लिए कहता है। तब तक हैकर आदि ने उस हैकर का पता लगा लिया था और मेहुल को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी थी। मेहुल उस लोकेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर बस एक बुरी औरत थी और वो टीवी देख रही थी। मेहुल सीन को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि वो हैकर कहां छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी क्या आप समझ पाए, ध्यान से सीन को ऑब्जर्व कीजिए। बूढ़ी दादी को ध्यान से देखिए, उनके चेहरे पर एक भी झुर्रिया नहीं है और नीचे देखिए शूज पहने हुए हैं। वो बस बूढ़ी होने का नाटक कर रही है। मेहुल उसकी विग निकालता है तो वो एक लड़की थी जो सिग्नल्स को हैक कर रही थी। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बंटी और बबली तालाब में फिश पकड़ने जाते हैं। दोनों मिलकर 1 मिनट में 6 फिश पकड़ते हैं और 5 मिनट में 30 फिश। लॉजिकल आर्मी अब समझिए, अगर बबली 5 मिनट के लिए कहीं चला जाता है तो अकेले बंटी 5 मिनट में कितनी फिश पकड़ पाएगा, अच्छे से सोचना लॉजिकल आर्मी और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। ध्यान से देखिए, बंटी और बबली दोनों एक ही कांटे से फिश पकड़ रहे हैं। जब बंटी फिश पकड़ रहा था तो बबली आराम से एंजॉय कर रहा था, और जब बबली फिश पकड़ रहा था तो बंटी आराम से एंजॉय कर रहा था। मतलब अगर एक चला भी जाए तो दूसरा 5 मिनट में 30 फिश ही पकड़ेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। तभी अचानक एक चोर एक लेडी का मोबाइल छीन कर भाग जाता है। मेहुल तुरंत उसका पीछा करता है,
लेकिन बुक स्टॉल के पास आकर चोर गायब हो जाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कहाँ छुपा हुआ है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। फिर दूसरे वाले बंदे को देखिए, ये उल्टा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मतलब इसने घाई घाई में न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ लिया। मेहुल उसका न्यूज़पेपर हटाता है तो वो वही चोर था। मेहुल उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन ये क्या, मेहुल की ट्रेन छूट जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आर्मी कैंप में एक जासूस घुस आता है, ये बात कर्नल सक्सेना को पता चल जाती है। लेकिन वो जासूस ने अपने कपड़ों के अंदर बम लगा रखा था। अगर जासूस को जरा सा भी लगा कि वो पकड़े जाने वाला है तो वो ब्लास्ट कर सकता है। कमल सक्सेना को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा आर्मी मैन जासूस है। वो आर्मी कैंप के तीनों सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एक बंदे पर डाउट आता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं वो कौन सा आदमी है जिसपे कर्नल सक्सेना को डाउट आया? सोचिए सोचिए। ऑन ड्यूटी आर्मी मैन अपनी कैप तो उतार सकता है लेकिन शर्ट ओपन नहीं रख सकता, और उसके शूज की लेस भी देखिए पूरी खुली हुई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब इसको आर्मी के रूल्स नहीं पता है, यही वो जासूस होगा। कर्नल सक्सेना सीक्रेटली मिशन प्लान करते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दो फ्रेंड्स नदी में स्विमिंग करने जाते हैं, एक लेफ्ट डायरेक्शन में स्विम करने लगता है और एक राइट डायरेक्शन में। दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कौन फास्ट स्विम करेगा, ए या बी? ए वाला पानी के डायरेक्शन में स्विम कर रहा है और बी वाला अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। क्योंकि बी पानी के उल्टे डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मतलब ए की स्पीड ज्यादा होगी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रेलवे स्टेशन पर एक स्मगलर आने वाला था और ये बात मेहुल को पता चल जाती है। मेहुल अपना लुक चेंज करके वहाँ बैठ जाता है। 15 मिनट वेट करने के बाद मेहुल समझ जाता है कि स्मगलर उसके पास ही बैठा हुआ है। इन ए बी सी को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए लॉजिकल आदमी। इनकी पहली और ये 15 मिनट बाद की फुटेज देखिए और मुझे बताइए कि वो कौन है। आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले वाले को ध्यान से देखिए, वो पॉपकॉर्न उठाता है, मुंह में डालता भी नहीं है और वापस नीचे लेके आ जाता है, और उसके बॉक्स में उतने ही पॉपकॉर्न है जो 15 मिनट पहले थे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जरूर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। मेहुल उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। मेहुल न्यू ईयर पे बहुत सारे गरीब बच्चों को होटल में पार्टी देता है। वेटर मेहुल को बताता है सारी पार्टी का खर्चा हो गया है 12,000 रुपए और आइसक्रीम का 1,530 रुपए। मेहुल तुरंत यूपीआई से 12,000 और 1,530 रुपए पे करने लगता है। लेकिन तभी अचानक मेहुल को लगता है कि उससे पेमेंट में कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ लॉजिकल आर्मी? मेहुल से पेमेंट में क्या गड़बड़ हो रही है? सोचिए सोचिए। मेहुल को 12,000 और 1,530 रुपए खर्च करना था। मेहुल ने उनको आमने सामने लिख दिया है तो वो हो गया है 1,21,530 रुपए। एक्चुअल में 12,000 प्लस 1530 होगा, मतलब वो हो जाएगा 13,530 रुपए। मेहुल समझ जाता है, तुरंत करेक्ट करता है और फ्रेश पेमेंट कर देता है।